हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 कॉमर्स हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज पार्टनरशिप के अगले भाग को देखेंगे। हमारा जो इसका पोर्शन है डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी की हानियां क्या क्या है, इसके दोष क्या है, आज उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट आ रहा है लिमिटेड रिसोर्सेस, कि पार्टनरशिप में हमारे जो साझेदारों की संख्या होती है वो लिमिटेड होती है। इस कारण से कई बार जब हमारा व्यापार बढ़ता है तो हमको कई बार पैसों की समस्या आ जाती है, कई बार व्यापार के संचालन की समस्या आ जाती है। तो सीमित साधन होने के कारण भी हम अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करें डिले इन डिसीजन, साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो कुछ कामों के लिए कुछ निर्णय जल्दी लेना बहुत आवश्यक होता है। कुछ काम इस बात पर निर्भर करता है कि आप निर्णय कब ले रहे हो। अगर आप व्यापार में निर्णय त्वरित ले रहे हो तो आपको हो सकता है कि आपको ज्यादा ज्यादा फायदा भी हो जाए। तो पार्टनरशिप में हमारे मेंबर ज्यादा होते हैं, हमको सबसे सलाह मशवरा करना होता है और इस कारण से कई बार हमारे जो निर्णय होते हैं वो लेट हो जाते हैं और ऐसे इसके कारण भी हमें व्यापार में हानि उठानी पड़ती। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया इसके दोष का या हानि का। एक थर्ड पॉइंट आ रहा है मेजर डिस्प्यूट। कहा जाता है कि जब साझेदारी का जन्म होता है तो सभी साझेदार में आपसी प्रेम होता है, मित्रता होती है, अच्छी भावना के साथ साझेदारी का जन्म होता है। लेकिन कुछ समय के बाद उनमें मन मुटाव की स्थिति आ जाती है और इसका जो प्रभाव है वो फर्म पे बुरी तरह से पड़ता है, साझेदारी फर्म पे बुरी तरह से पड़ता है, फर्म के लाभ कम हो जाते हैं। तो डिस्प्यूट की वजह से भी कई बार साझेदारी में हानि हो जाती है। पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। साझेदारी में निरंतरता का भी अभाव होता है। साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई या कोई दिवालिया हो गया या कई और अन्य कारण हुआ जिससे वो व्यापार नहीं करना चाहता है तो ऐसी दशा में कई बार हमें अपने व्यापार को बंद भी करना होता है, तो पार्टनरशिप टूट भी सकती है। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमने यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज देखे हैं। तो इसके फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास है, यहाँ पर डिले इन डिसीजन होता है, हमारा जो डिले डिसीजन होता है उसमें कई बार देरी हो जाती है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो मैच्योर डिस्प्यूट है, कई बार मतभेद की भी स्थिति हो जाती है और लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कई बार निरंतरता नहीं बन पाती, इसलिए भी हम व्यापार में तरक्की या लाभ प्राप्त ज्यादा नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडशिप। हम अंतर देख रहे हैं साझेदारी और एकाकी व्यापार में क्या अंतर है। यहाँ अंतर के कुछ मैंने बिंदु लिखे हैं, आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट है रेगुलेशन। इसके लिए जो एक्ट लगता है, इसके लिए पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट लगेगा, अधिनियम लगेगा, उसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और जो एकाकी व्यापार होता है उसके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है, ये एक सेपरेट है, इसलिए इसके लिए कोई अधिनियम की निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि इसके संचालन में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड की बात करें नो मेंबर नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम मेंबर पार्टनरशिप में कितने होना चाहिए, आपको पता है मिनिमम दो हो सकते हैं, और अधिकतम मेंबर मैक्सिमम कितने होना चाहिए, 20 होना चाहिए। लेकिन अगर हम बैंकिंग में कर रहे हैं तो 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस, अगर हम बैंकिंग में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके साझेदारों की संख्या जो होगी, पार्टनर्स की संख्या जो होगी वो 10 होगी। यहाँ पर संख्या की अगर बात करें जिसका नाम ही एकाकी व्यापार है, जहाँ एक व्यापारी अपने व्यापार का संचालन करता है, पूंजी लगाता है, मैनेजमेंट करता है, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही मेंबर होता है, वन मेंबर इन सोल ट्रेडशिप, यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति अपने व्यापार का संचालन करता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं पार्टनरशिप में, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध एग्रीमेंट, इनका बड़ा महत्व है। तो या तो हम यहाँ पर लिखित में अनुबंध करते हैं या फिर मौखिक में करते हैं। लिखित में करेंगे ज्यादा फायदा होगा, विवाद की स्थिति में जिस साझेदार द्वारा गलती हुई है उसे हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, इसलिए लिखित का अनुबंध करना ही हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अगर हमने ओरल मौखिक करा है तो हो सकता है कोई साझेदार हमारी बात उसकी बात से पलट जाए, तो हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। नो कॉन्ट्रैक्ट सिंगल प्रोप्राइटर, यहाँ पर किसी प्रकार के अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोप्राइटर होता है वो केवल एक व्यक्ति होता है, उसको सारे निर्णय लेना होते हैं, वो गलती भी करेगा तो उसको हानि उठानी होगी, वो अच्छे से काम करेगा तो लाभ भी उससे ही प्राप्त होंगे। पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करते हैं एरिया। जो हमारा पार्टनरशिप होता है उसका एरिया वाइडर एरिया होता है, क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं तो इसका जो क्षेत्र भी होगा वो बड़ा होगा। और यहाँ सोल ट्रेडशिप की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति
के द्वारा व्यापार का संचालन किया जा रहा है, तो यहाँ इसका जो एरिया होगा वो नेरो होगा, मतलब छोटा होगा, वो अपने लिमिट्स रिसोर्सेस में ही अपने काम को पूर्ण कर पाएगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हम देखते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, लिमिटेड रिसोर्सेस, डिले इन डिसीजन, मैच्योर डिस्प्यूट और लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये सब इसके दोष है और ये दोष को हमको अच्छे से देखना है। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा है और डिफरेंस के हमारे पॉइंट आ रहे हैं रेगुलेशन, नंबर ऑफ मेंबर और कॉन्ट्रैक्टर और एरिया। तो ये आज का जो वीडियो है ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है।